तो सही रहा। क्रिकेटर बॉल इज हिट विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री। तो 25 मीटर पर सेकेंड है, एट एंगल 60 डिग्री है। ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब अपने शौक को ख़त्म, ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और जो एंगल है वो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री है। 60 डिग्री, ठीक है, ओके। ठीक है, हाउ फार अबाउट द ग्राउंड बॉल पासिस, फील्डर 50 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फील्डर 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर, एक सेकेंड, 50 मीटर। तो फील्डर की डिस्टेंस है 50 मीटर, ओके। तो फील्डर 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इससे कितना ऊपर बॉल पास होगी, ओके, है ना। कंसीडर द बॉल स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ये तो क्लोज टू द ग्राउंड हमने ले रखा है। चलो पहला काम कर लें, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 25 cos 60, यानी 25/2 हो गया। सो इसको मैं 25/2 लिख सकता हूँ, है ना। cos 60 is 1/2। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 25 sin 60। तो 25√3/2, 25 √3 सर बाय मल्टीप्लाइंग मिस्टेक थी, हाँ ये तो मल्टीप्लाई आप में मिस्टेक थी। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अभी तो वेलोसिटी के मैंने कंपोनेंट किए, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट को हमने आगे यूज नहीं करना है, मतलब मेन वेलोसिटी का भी यूज नहीं करना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो अगर 50 मीटर की बात करें, तो 50 मीटर में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, है ना। 50 मीटर की डिस्टेंस में टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे इसका वर्टिकल हाइट कितना होगा, है ना, वर्टिकल हाइट निकालना है। तो यहां तक का पहले टाइम निकाल लें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 25/2। 25/2 इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है। डिस्टेंस कितनी है, 50 अपॉन टाइम। तो सीधा फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से 25 और 2, 4 सेकंड, 4 सेकंड आ गया। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। अब ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब हॉरिजेंटली तो यहीं पे होगा, हॉरिजेंटली तो यहीं पे होगा। ये वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर कर ली वो निकाल लें, है ना। वर्टिकली उतना ही फील्डर से ऊपर आएगा, 4 सेकंड में वर्टिकली कितने डिस्टेंस निकाल लें। तो वर्टिकली कहाँ पर होगा वो देखना है। तो ये ऐसे हमने एग्जैक्टली नहीं दिखाया, ऐसे मूव कर रहा होगा तो वर्टिकली कहाँ पर होगा, ट्रैक बाद में दिखा देंगे। आई थिंक वो ट्रैक का आइडिया तो हो गई, फिर भी मैं रफ बना लेता हूँ ये ऐसे। चलो आई विल शो यू डॉटेड लाइन, ये ऐसे जो भी है, ठीक है। तो यहां पर ये वर्टिकली कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट नहीं होगा। तो थोड़ी देर में इसको प्रॉपरली शो कर दूंगा, चलो, ओके। हाँ, तो यहां पर इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू UT+ ½AT²। यू कितना है, 25/2, 25√3/2। यू और टी कितना है, 4 सेकेंड। एंड जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में -½ g, g की वैल्यू 10 ले रखी है, तो 5 और कितना स्क्वायर, t का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ रहा है, ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये सर देखना। मैंने है ना √3 की जगह है ना 1.73 दिया था, इसलिए हाँ 6.8 आया। सही है, 1.73 सही है। 25 आंसर तो सही, 25√3/2 माइनस, हाँ सही आ रहा है, 86.8 फिर सही है, क्या दिक्कत है, फिर ए आंसर आ रहा है। सर ऊपर क्वेश्चन में 1.7 लेना है √3 की वैल्यू दिया, अच्छा √3 की वैल्यू एक 1.7 3 लेना है, तो हाँ सर कितना आएगा, मैंने वही मिस्टेक की थी, तो कितना आएगा अगर 1.7 लोगे, एटी 1.7 लोगे तो कितना आएगा, फाइव माइनस 85 आ रहा है, तो कितना आएगा आंसर, 5 मीटर ना, 5 मीटर आएगा। हाँ तो मैंने आंसर सही दिया था, यस सर, हाँ या मैंने √3 की वैल्यू गलत पुट कर दी थी। हाँ बस बस वो ध्यान, मतलब मेरा आंसर देता तो इसी, यही मिस्टेक हो गई, वरना ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है। एक बार मैं ट्रैक इसका सही से दिखा दूँ, ट्रैक नहीं बन रहा था मेरे से। ये टॉप मोस्ट पॉइंट और ये, चलो हो गया, चलो बहुत हो गया, ये ऐसे कोई ट्रैक होगा बस, है ना, दिस विल बी द ट्रैक।
तो ये इतना ऊपर से जाएगी इसके ऊपर से, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सवाल था जो